जालोर एसपी ने साइला थाने में ली सीएलजी सदस्यों की बैठक, बताए क्राइम से बचाव के उपाय। साइला थाना परिसर में गुरुवार शाम को जिला पुलिस अधीक्षक ज्ञान चंद्र यादव की अध्यक्षता में व उपखंड अधिकारी तारा चंद वेंकट, सीओ गौतम जैन, तहसीलदार हीर सिंह चारण व थानाधिकारी रामेश्वर भाटी की मौजूदगी में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे। बैठक में एसपी यादव ने कहा कि अपराध की रोकथाम में सीएलजी सदस्यों का सहयोग आवश्यक है। आमजन सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करे, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने सीएलजी सदस्यों को कहा कि आपके आसपास गली मोहल्ले में किसी भी तरह के कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में देवे। लोगों को किया जागरूक। एसपी यादव ने साइबर अपराध के बारे में भी लोगों को जागरूक किया। बैठक में सीएलजी सदस्यों ने शहर में भारी वाहनों पर रोक लगाने, बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने सहित अन्य समस्याएं बताई। मादक पदार्थों पर रोक लगाने की बात रखी। कस्बे में सीएलजी सदस्यों ने कस्बे में तेज गति से वाहनों के निकलने की समस्या बताए हुए स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की। वही क्षेत्र में बढ़ती चोरियों की वारदात को लेकर भी अवगत कराया, जिस पर एसपी ने समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया। वह वावत्रा के कृषि बेरे पर हुई चोरी की वारदात का जिक्र करते हुए जल्द खुलासा करने की बात कही। बैठक में सीएलजी सदस्य, प्रबुद्ध जनों सहित पुलिस मित्र व ग्राम रक्षक मौजूद रहे। पटवारी जी ग्राम सेवक रहते हैं, राशि माता रहती है, वो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ताकि गांव की सभी सूचना हो जाए। और इस मीटिंग का उद्देश्य मैंने दोबारा बताया।